मेरे चैनल रेखा शर्मा व्लॉगर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं लेट हो गई हूँ, वैसे मैंने सफाई कर ली है और शावर वावर सब ले लिया है, तो पूजा भी हो चुकी है, वो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। तो खाने में मैं लेट हो गई हूँ सिर्फ, और मैंने कल कपड़े धोए थे तो आज सुखाए हैं, तो बार बार आ रही है बारिश और अब बंद है, तो मैं फिर से कपड़े डालने गई तो इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। और वैसे भी कभी किसी का घर में आ ही रहा है फ़ोन, तो इसलिए मुझे देरी हो गई है। तो आज हम कुछ अपने घर में कुछ काम करा रहे हैं, तो वो उसकी वीडियो मैं अभी आज ही डालूंगी, तो आगे वीडियो में डाल दूंगी। यहाँ थी मेरी जाली और यहाँ से आ रहा था पानी, सब में भीग चुकी है जाली, कल बहुत भीग गई थी तो माइक्रोवेव भी उसके ऊपर रखा था, तो मैंने जाली को अब यहाँ रखा है। तो ये है जाली, मैंने साइड में आड़ में रख दिया है इसको, तो अब ये भीगेगी नहीं। इसमें मेरे डिब्बे हैं, दाल चीनी वगैरह इन सब के राशन के डिब्बे हैं, और इसमें है तो वो रई होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, सरसों, तो इसमें से सरसों के दाने हैं ये, तो इसमें से निकलता है सरसों का तेल, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये चक्की पर जाता है, फिर इसमें हम तेल निकलवाते हैं, तो इससे खरीदने में फ़ायदा है, तो हमने पहली बार ख़रीदा है अब, लेकिन इसमें फ़ायदा हुआ है हमें, तो हम सोच रहे हैं हम हर बार ही खरीदेंगे ये इकट्ठा, और फिर जैसे ही हमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से निकलवा लेंगे। इस तरह से यहाँ कपड़े डाले हैं और थोड़े छत पर हैं, थोड़े डाल दिए हैं इधर, और ये सूख जाए तभी मैं हटाऊंगी, बार बार आ रही है बारिश और मौसम भी अभी ख़राब है। गाइस मैं रात को सोई थी 3 बजे, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में हो गई थी लेट, तो गोलू भी मेरे साथ साथ जागी। गाइस अब मैं बना लेती हूँ खाना, खाना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब तक के लिए बाय। तो गाइस जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम कुछ काम करवा रहे हैं, तो ये वही काम है, हम लगवा रहे हैं यहाँ गेट, यहाँ बंदर भी बहुत आते हैं, और पहले से तो कम हो गए हैं यहाँ बंदर आने, लेकिन बंदर बहुत आते हैं यहाँ, और वैसे भी मुझे बहुत परेशानी है। और एसी वाले रूम में अब तक हमने पन्नी लगा रखी थी, तो उससे रूम ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा था, लगवाना है, धीरे धीरे हम सभी काम करवाएंगे। तो दो भाई आए हैं, वो गेट लगा रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं वो। तो गाइज हम यहाँ पर सनमाइका बाद में लगवाएंगे, क्योंकि अभी ये गेट हम जल्दी जल्दी लगवा रहे हैं, आपको आगे पता ही चल जाएगा हम गेट क्यों लगवा रहे हैं। तो जो भैया ड्रिल मशीन लेकर आए हैं पेच कसने की, तो वो मुझे अच्छी लगी, पहले तो पेच कसते थे और ठोकते थे, और ये है वो मशीन, बस पेच को मशीन में लगाओ और ये अपने आप छेद होके लगाते हैं पेच, तो मशीन मुझे अच्छी लगी, और गेट भी जल्दी लग गए थे, तो दो ही गेट लग गए एक ही दिन में। और गोलू ख़रीद के लाई है चिंगम, जो मैंने मना किया था, तो अभी वो ले आई है। मोटी सिक्स चाहिए मेरे को, तो 4 मुझे दे दे। अरे दे दो, चलो 4 दे दो, 4 क्यों वापस कर दूंगा ना, तेरे को 6 चाहिए। अरे नहीं, गोलू तो ये नहीं खाएगी, बस मैं तो खाऊंगा। और ये तुम क्यों लाए पहले तो ये बता दो। मुझसे बोली थी मैं हापुड़ में खाती हूँ, और मेरे को कुछ नहीं होता है, मैंने बहुत खाने, ये कह रही थी कुछ नहीं होता है मुझे, हापुड़ में कुछ भी नहीं होता। अब बताओ मैं नहीं लाता फिर, ला वापिस दे दे सारी, दे दे। नहीं, नहीं। तू नहीं खाएगी तो नहीं खाएगी बस। अब ये मुझसे बोली कि सिक्स लेगा ना, सिक्स फ्रूट। अब मैं धोखा हाँ, आया हाँ फ्रूट खाएगी पर चिंगम नहीं खाएगी, धोखे खाएगी। अच्छा चिक्कर उतार के खाना, और वो भी रख दो क्या, उसे फ्रिज में रखोगे वो मेल्ट हो जाएगी फ्रिज में। अब थोड़ी सी खाऊंगी। नहीं फ्रिज में क्या हो जाएगा मेल्ट, वो क्या होता है? अरे वो ऐसे चीते हैं ना। अरे कहना क्या चाहते हो? तो वो ऐसे वो बर्फ बन जाती है। तो मत, और ये रख दूं? ला चिंगम दे दे, ये नहीं खाएगी। नहीं ना, चलो एक एक नहीं, नहीं दे रहा। देखो तो कौन कौन सी है, मैं एक में अपने लिए लाया, अपने लिए एक। अच्छा दूंगी। देखो तुम क्यों लाए, अगर ये सटक गई तो सटक जाएगी, सटक। ये नई प्रकार की आई है, सेंटर फ्रूट है ये फ्रेश है, ये बबूल है, लाओ। क्यों लाए?
किसी ने बोला कि मेरे को शिक्षा नहीं है, मेरे को लेकर आना। नहीं नहीं तुम मुझे पिटवाओगी कि डांट पड़वाओगी मेरी? नहीं मुझे डांटेगी फिर? अब तुमने क्यों करा? कह रही थी मैं कर दूंगी। माने कह रही थी मैं सामने खाऊंगी और सटकूंगी नहीं, ये बोली मुझसे। आप तुम खाई तुमने? हाँ। कितनी बार? झूठ बोल रहा है। कुछ पाओगी नानी से? एक बार खाई बल्कि बोलो। तो नहीं एक बार नहीं, एक बार नहीं खाई थी, पूरे दिन खाई थी। कुछ पाना नानी से? नानी कहेंगी ये सटकती नहीं है और ये ऐसे चबाती रहती है। पूछो और नानी से? कोने में करती है। हाँ पूछो। कोने में क्या? कौन आई है? इसे थूकूंगी थूक। एक खाके देख। नानी के पास कौन जा रहा है? नानी से पूछवाऊंगी फिर मैं सब छील लूंगी। आ वालेगा नानी। थैंक यू। बताओ कहाँ? ये तो मेरे को तुमने बोली है ना? हाँ नानी आपने दो ली है, मुझे सब पता। और साइमन भैया? दो ही है। और साइमन भैया को भी दो एक। दे तो दी मैंने ये पता दी ना। देख रहे स्त्री का सलमान खान, वो देख। मेरे मोबाइल में स्टोरेज इतनी भर गई है। तो गाइज यहाँ है रात का समय और मैंने बनाई थी मैगी, क्योंकि मैं थक चुकी थी, मैंने खाना नहीं बनाया तो इसलिए मैंने मैगी बनाई। बच्चों ने भी बोल दिया कि मैगी खानी है तो मैगी ही बना दी। तो गाइज मैगी बन चुकी है और मैं यहाँ कर रही हूँ गैस को साफ़। तो गैस को मैं डेली नीचे से भी साफ़ करती हूँ, यहाँ कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो मैंने खाने में जो है कुछ नहीं बनाया है, खाली मैगी बनाई है क्योंकि मैं थक गई हूँ इसलिए। और आज मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया तब भी मुझे थकावट महसूस हो रही है, तो सिर्फ मैंने आज बनाई है मैगी। देखो अभी मैं इतने बर्तन माँज के हटी हूँ तब भी दो बर्तन बाकी रह गए हैं, तो मैं अब इनको सोच रही हूँ साफ ही कर दूँ लगे हाथ, क्यों बर्तन रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। गाइज इस टंकी में से कम पानी आ रहा था और मैंने जब निकाल के देखा इसको तो इसमें था मैल कूड़ा और अब आ रहा है कितना तेज पानी। मैं इसको अब कल साफ करूंगी, आज नहीं करूंगी, आज मैं थक चुकी हूँ तो मैं इसको संभाल के रख दूंगी, अब मैं कल करूंगी जो भी करूंगी। गाइज अभी आपके सामने मैंने दो बर्तन मांजी, एक कटोरा और एक चम्मच, और फिर से मैंने मुंह धो लिया और हाथ साफ कर लिए तो फिर से दो बर्तन हो गए हैं। तो देखो गाइस अब मैं सोच रही हूँ इसको भी साफ कर लूँ। बच्चे दो 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 करके ला रहे हैं बर्तन, उसमें वो मुझे मारने पड़ते। और फिर से धो कर आती हूँ मैं हाथ, तो मैंने हाथ धो लिए और अब पानी की टंकी बोल चुकी है तो मैं अब उसको भी बंद करने जा रही हूँ। तो गाइज अभी भी मेरा काम निपटा नहीं है और अब बाहर मैंने कपड़े डाल लिए, शाम से मेरे कपड़े पड़े हैं, बल्कि सुबह से ही पड़े हैं, तो बाहर वैसे हो रहा है अंधेरा और फाइनली हमारे गेट लग चुके हैं। इसको तो हटाओ। तो गाइज यहाँ है अंधेरा और ये रहे मेरे कपड़े और अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है तो मैं अब कपड़े को उतार लूँगी
मैं जो है रात को कपड़े नहीं डालती, और जब डले रहते हैं तो मैं उठा लेती हूँ, और मैं इनको सबको उतार दूँगी। पहले इस रूम में गेट नहीं था, तो आज फाइनली गेट लग चुका है और ऊपर का रह गया है ये, तो यहाँ बाद में लगेगा। और ये गेट लग चुका है, इस कमरे में दो गेट बनवाए थे तो दोनों ही लग चुके हैं। इस वाले रूम के जो गद्दे हैं एसी वाले रूम में गए हैं, क्योंकि एसी है एक ही, तो उस पर सोते हैं आर्यन के पापा और एक पे सोते हैं आर्यन, तो यहाँ से इसलिए रात को चले जाते हैं, सुबह को फिर से आ जाते हैं इधर। तो क्या करें, मजबूरी है, एक ही रूम में ही है एसी, इसलिए गर्मी तो सभी को लगती है। तो गाइस कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है फैमिली में। और आज मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, कठिन या एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, तब भी मुझे इतनी थकावट हो रही है, और इसलिए आज मैंने बनाई थी मैगी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और मेरी आंखों में नींद बहुत है, मुझे नींद आ रही है। फैमिली है, काम बहुत है, और एक लेडीज के लिए कितने काम होते हैं ये तो आप सभी को ही पता है। और आज दरवाजे लगे थे तो पूरे दिन मैं लेटी भी नहीं हूँ कोई मैंने, तो अब मुझे करनी है एडिटिंग, उसमें लगते हैं 3-4 घंटे, तो अब मैं करूंगी एडिटिंग। तो सुबह को मैं जल्दी उठ गई, तो मुझे हो रही है थकावट और मुझे आ रही है नींद। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, वो है बिल्कुल फ्री। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय माता दी एंड टेक केयर।